है मेरे ब्लॉग का सेकंड पार्ट। सारे बच्चे आ गए, शोर इतना ज़्यादा हो रहा है, सो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ एंड रुदांश को रेडी कर देती हूँ। सो वो खुद से ही लग गया, मैंने जब तक ब्लॉग स्टार्ट किया तब तक वो खुद से ही रेडी होने लग गया है। सो ब्लॉग में बने रही, इसमें बहुत सेलिब्रेशन होगा एंड हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी आने वाले हैं, मेरी फ्रेंड आने वाली है और बच्चे तो आप लोगों ने देख लिए होंगे पिछले वाले ब्लॉग में, रुदांश बहुत सारे फ्रेंड आए हुए हैं। शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, चलिए काम पे लग जाते हैं। रुदांश को रेडी करते हैं, केक कटिंग करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और क्योंकि बच्चों का नेक्स्ट डे स्कूल भी है ना तो ज़्यादा देर बच्चों को रोक भी नहीं सकते हैं। काफ़ी टाइम से वो खेल रहे थे, खेल भी लिया, मस्ती हो गई। अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ, फिर केक कटिंग करेंगे हम। सो ब्लॉग में बने रहिए एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए रुदांश के लिए, थैंक यू बोलो। थैंक यू। वो अपना रेडी होने में लगा हुआ है, चलो मैं रेडी कर देती हूँ देन फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके क्या बोल रहे नहीं, आप ही वेट कर रहे थे सच में। हमारा फाइनली केक निकल रहा है, ये केक कटिंग करें। मैंने हमारे पास दो केक थे तो अभी हम एक केक कटिंग करेंगे, एक बाद में करेंगे, बात नहीं करो अभी, पहले केक कटिंग करके बच्चों को भगाते हैं फिर बैठ के बात करें। पोज वोज तो दो, स्माइल विस्माइल कुछ नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। खालो, अरे अरे एक थोड़ा थोड़ा सा देखो कू कहाँ से लगा रही, पीछे से आगे से नहीं लगा पा रही तो। अरे आप तो केक लेके भाग के आ गए। हेलो कू, आज हाय कर दूं सब? अरे हाय कर लो, वीडियो बन रही है, ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग सब टीवी पे आएंगे सब। रोटी दोनों को भी ले दूं इस टाइम मैं तो देखो कैसी लग रही, समय से गंगी नहीं की मैंने केक लेके। ये अलग अलग टाइप की पैटीज हैं क्या ये? ये अलग, ये अलग। हाँ एक पनीर होगा। फाइनली यहाँ पे केक कटिंग हो गई है और सारे बच्चों ने मिलके इतनी 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 ज़्यादा मस्ती की ना कि थक के सारे लोग बैठ गए हैं। चलिए अब इन सबको भी केक खिला देते हैं क्योंकि रुद्रांश ने तो पहले ही केक खा लिया, जैसे ही कट किया जैसे ही केक खा लिया। मुझे बाद में खिलाएंगे, पता नहीं ये लोग खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, मैं पहले ही कट करके खा लेता हूँ, सो उसने पहले ही खा लिया था। अभी चलिए बच्चों को दे देते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी, मैंने बाहर से ही मंगवाया था बच्चों को, घर पर नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा ना यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सो मैंने बाहर से मंगवाया था सैंडविच मफिन एंड पेटी चीज़, सारी चीज़ें मंगवाई हुई थी एंड बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया और बच्चों की खुशी देख के ना अच्छा लगता है। सो बच्चे भी खुश एंड रुदांश भी बहुत 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 खुश हो गया था। सो चलिए देखो बच्चे कितने अच्छे से इन्जॉय करके खा रहे हैं ना, बच्चों को यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं इसलिए मैंने सोचा बाहर से मंगा लेते हैं, वो भी अच्छे से इन्जॉय करेंगे। और ब्लॉग में बने रही बहुत कुछ है आगे, और स्नेहा आ गई थी तो स्नेहा ने मेरी बहुत सारी हेल्प करवाई, सो थैंक यू सो मच स्नेहा जो तू आ गई थी। और यहाँ पर देखिए अभी ब्लॉग में बने रही, बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। तो बच्चे सारे चले गए हैं, ये देखो क्या कर रहे हो आप, ओपन करने लगे गिफ्ट, अभी बाद में करेंगे बाद में, इसमें चेस है चेस, चेस सारी कैप तो यहीं छोड़ गए हैं। सो ये देखिए हमारे गेस्ट आ गए हैं, रुदांश की बुआ फूफा जी एंड मम्मी जी आई हुई थी, सो
काफी अच्छा लगा, सब लोग आ गए थे। और यहाँ पे ये देखिए रुद्राक्ष तो अपने गिफ्ट ओपन कर लिए, वो खेलने लग गया अपने में। पहनो क्या पहनेगी, मैं भी पहनूंगी, आप भी पहनो। इसने ये ले, मैचिंग मैचिंग हो जाओ दोनों। मेरे नहीं नहीं आप लगाओ, और मम्मी देखो मम्मी को, दीदी पहनो। चलो आ जाओ, अब तो रह गई, आप पहनो ये। ये देखा उसको बस यही पसंद है, ये कील पुर्जे वाला काम सही लग रहा है। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट केक कटिंग करेंगे। आज दे रहे हैं हम इधर। हमने पहले से ही ना दो केक मंगा के रखे हुए थे, क्योंकि हमने सोचा एक बच्चों के साथ केक कट कर लेंगे एंड नेक्स्ट हम दीदी जब आएंगे ना तब उनके साथ केक कट कर लेंगे। एंड वो भी ना इतने दूर से आई हुई थी और मतलब वो अपना कीमती टाइम निकाल के आई, सो काफ़ी अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच दीदी। और हम लोगों ने फिर से केक कटिंग की एंड काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ दीदी के हाथ में पिन था, सो वो पिन लेके ना सारे बैलून फोड़ रही थी। तो बच्चों के साथ बच्चे बनाना काफ़ी अच्छा लगता है एंड मस्ती करने का भी मौका मिल जाता है बच्चों के साथ में। केक कटिंग हो गई है और ये लाइट का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे क्योंकि किचन में उजाला कम आ रहा था। सो चलिए अभी सबको खाना खिलाते हैं और जो मैंने खाना बनाया हुआ था घर पे, सो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा हुआ था मैंने क्या क्या बनाया है। छोले बनाए हुए हैं, पनीर की सब्जी बनाई हुई है एंड आलू गोभी की सूखी सब्जी। सो चलिए सबके लिए खाना सर्व करते हैं एंड सबको अच्छा लगा था। मोस्टली ना छोले की सब्जी ज़्यादा अच्छी बनी थी, पनीर इतना अच्छा सा नहीं बन पाया था, बट काफ़ी अच्छा लगा। सब लोगों ने खाया एंड खूब इंजॉय किया। बच्चे देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्नेहा ने काफ़ी हेल्प करा, स्नेहा सर्व कर रही थी एंड मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाते जा रही थी। अमन का फोन आ रहा है। क्या कर रहे हो ऐसे? ये देखो आराम से टीवी दिख रही है। बच्चे बेचारे थक गए हैं खेल खेल के। देखना इसमें क्या है, सुनना लेना सुनना। म्यूट करो इसको। पूरा दे नहीं रही है। हाँ ठीक है ले लो, कलरिंग करना। इतने बड़े बड़े डिब्बा हैं कलर न के। कोई बात नहीं, फिर से ले जाओ कलरिंग करने को। अबुआ के आज का दिन हम लोगों के लिए स्पेशल तो था ही, बट आप सब लोग भी आए तो और भी ज़्यादा स्पेशल बन गया। सो थैंक यू सो मच आप सब के लिए जो आप सब अपना कीमती टाइम निकाल के आए। और यहाँ अभी दीदी के जाने का टाइम आ गया क्योंकि वो लोगों के लिए नोएडा निकलना था और काफ़ी लेट हो रहे थे। यहाँ देखो लेमन, लेमन को टेस्ट किया जा रहा है। अरे अरे पूरे गिर गया, क्या करें, इसमें टेस्ट ही नहीं आनेगा। हाँ मीठा है, खट्टा है, थोड़ा सा है, ज्यादा है, मैंने बोला था ना थोड़ा सा, पानी पी लो, ठंडा है ना तो ज्यादा अच्छे से टेस्ट नहीं है। ये रीजन है, नॉर्मल टेम्परेचर का है ना। नहीं ये बहुत खट्टा वाला जूस है। रुद्रांश को ये बर्थडे गिफ्ट में मिले हुए हैं ये टॉय, उसके मन पसंद, उसको यही सारी चीजें बहुत पसंद आती है, प्लास पेचकस नट बोल्ट ये सारी चीजें पसंद आती है। और ये उसके गिफ्ट रखे हुए हैं जो बर्थडे में मिले। टूल बॉक्स रेडी हो गया। तो ये देखो बर्थडे मनने के बाद घर की जो हालत होती है, ये देखो बैलून तो एक भी नहीं बचा, इतने सारे बैलून थे ना सारे फोड़ दिए बच्चों ने। ये देखो पूरा घर गंदा फैला पड़ा हुआ है।
अभी रुद्रांश तो चला गया है स्कूल और ये छोड़ के आ गए, आज ये ऑफिस नहीं जाएंगे क्योंकि आज है फ्राइडे और स्नेहा भी रुकी हुई थी रात, तो वो लोग भी निकल गए हैं। सुबह में मैंने फिर उन लोगों के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया था, मतलब पोहा वगैरह बनाया था, तो वो खा के चले गए। रुद्रांश को भी मैंने वही पैक कर दिया था और बस अभी काम पर लग जाते हैं क्योंकि कल इतना ज़्यादा गंदा फैल गया ना घर में, इतना ज़्यादा गंदा हो गया ना कि बता नहीं सकती मैं। सो घर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और ना बच्चों ने करते हैं साफ करते हैं, हाँ मतलब क्लीन करते हैं तो उसको साफ करते हैं और फिर मिलते हैं ना। कुछ बोलना चाहोगे? हाय हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नींद आ रही मेरे को आज। एक्चुअली हम लोग ना रात में इतना ज़्यादा लेट हो गए, तो दीदी आई थी ना, तो वो भी फिर कितना 11 बजे के समथिंग नहीं होंगी ना, तो वो 11 बजे के आसपास वो गई थी और फिर हम लोगों ने उसके बाद फिर खाना खाया तो गपशप की, तो 2 बज गए हम लोगों को, लेट सोए और फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ा क्योंकि स्नेहा को जाना था तो इसलिए, और फिर रुद्रांश को भी स्कूल जाना था। चलिए कोई नहीं, अपना ये घर को है ना जो गंदा पड़ा हुआ है एकदम पूरा, इसको क्लीन कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं। गाइज काम तो चलते रहेगा, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। और आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक्स करना है, शेयर करना है, चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं नहा धो के आती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पूरा डस्टिंग वाला काम किया ना, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हूँ मैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आप ढेर सारे प्यारे प्यारे जो कॉमेंट्स किए उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। इसी तरीके से जुड़े रहिए मेरे साथ, अपना प्यार बनाए रखना और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and see you.